फ्रेंड्स आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 तो देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कितना होता है डिफरेंस या स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 कितना बेटर होता है 8 जेन 2 से हाय फ्रेंड्स मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टिक रूम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ तो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 अनाउंस किया गया था अक्टूबर 2023 में 8 जेन 2 नवंबर 2022 में अनाउंस किया गया था एंड यहाँ पे जो क्लास बात की जाए तो दोनों का जो क्लास है वो फ्लैक्सीबल क्लास है मॉडल नंबर को देखा जाए तो एट जेन एट एट एन थ्री का मॉडल नंबर है एस एम एटी सिक्स फिफ्टी ए बी एंड एट जेन टू का मॉडल नंबर है एस एम एटी फाइव फिफ्टी ए बी तो यहाँ पे देख रहे हैं मॉडल नंबर स्लाइटली चेंज है खाली अब आर्किटेक्चर को समझते हैं तो आर्किटेक्चर वाइज दोनों ही जो प्रोसेसर आपको मिलेंगे वो है ऑक्टा कोर एट जेन थ्री में जो मिलेगा फर्स्ट कोर थ्री पॉइंट थ्री की गार्ड पे क्लॉक है कॉर्टेक्स एक्स फोर का सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पे थ्री कोर थ्री पॉइंट वन फाइव गी गार्ड्स पे क्लॉक कॉर्टेक्स ए सेवन ट्वेंटी के साथ आएंगे एंड लास्ट जो टू कोर हैं टू पॉइंट नाइन गी पे क्लॉक है ए सेवनटीन के साथ तो यहाँ पे जो एवंटी है प्रीवियस वर्जन कॉर्टेक्स ए सेवन हंड्रेड फिफ्टीन से काफ़ी बेटर रहता ही है ये एंड इसमें जो लास्ट बैटरी फिशेंसी कोर्स हैं वो इसमें कॉर्टेक्स ए फाइव ट्वेंटी दिए गए हैं वहीं पे स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 को देखा जाए यहाँ पे फर्स्ट कोर 3.2 पॉइंट पे क्लॉक मिलेगा कॉर्टेक्स X3, जो कि कॉर्टेक्स X4 से थोड़ा लोअर वर्जन पे है ये, एंड यहाँ पे टू कोर 2.8 पॉइंट एट गर्ड्स A715 के साथ देखने को मिलेंगे जो कि कॉर्टेक्स ए से थोड़े से वीक है फिर टू कोर टू पॉइंट एट पे क्लॉक है कॉटेक्स ए सेवन हंड्रेड टेन जो कि डेफिनेटली सी बात है सेवन ट्वेंटी से थोड़ा और पीछे देखने को मिल मिलना है एंड जो लास्ट कोर है वो थ्री पॉइंट टू गीगार्ड पे क्लॉक है कॉटेक्स ए फाइव हंड्रेड एंड टेन जो कि कॉटेक्स फाइव ट्वेंटी से वीक है यहाँ पे ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए तो स्नैपड्रैगन एट जेन एन टू जो आपको देखने को मिलेगा ये एट जेन एन थ्री से वीक परफॉर्मेंस में रहेगा मेजर डिफरेंस नहीं होगा बट काफी पीछे देखने को मिलेगा यहाँ पे बात की जाए फ्रीक्वेंसी सपोर्ट की तो जो ड्रगे 8 जी 3 है 3200 थाउजेंड की पीक स्पीड पे चलेगा एंड 8 जीन 2 3200 थाउजेंड की पीक स्पीड पे चलेगा तो ओवरऑल बेटर फ्रीक्वेंसी भी 8 एटीएन 3 की है ज्यादा बेटर नहीं है 100 मेगा हट्स ही बेटर मिलेगी एंड अगर फैब्रिकेशन को देखा जाए तो फैब्रिकेशन वाइज यहाँ पे दोनों ही जो प्रोसेसर आते हैं वो फोर नाइन एमडे टी एस एम सी बेस्ट टेक्लॉजी के साथ आते हैं नेक्स्ट अब बताता हूँ यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट तो जीपी की अगर बात की तो एट जेन थ्री में आपको मिलता है लेटेस्ट एडनो सेवन फिफ्टी इसका आर्किटेक्चर एडनो सेवन हंड्रेड है इसको समझने के लिए मैं आपको थ्री मार्क आगे बताऊंगा उसका स्कोर देखिएगा एंड उससे आपको आइडिया लगेगा कि दोनों ही प्रोसेसर के जीपी में कितना डिफरेंस होता है वह भी एट जेन टू की बात की इसमें मिलता है एडनो सेवन फोर्टी ये भी काफी पावरफुल जीपी है एंड इसका आर्किटेक्चर एडनो सेवन हंड्रेड है एंड अगर आप देखा जाए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सपोर्ट को तो एट जेन थ्री सेवन सेवेंटी मेगास पे क्लॉक चलेगा एंड एट जिन टू सिक्स एटी मेगाट्स पे क्लॉक चलता है फिर से स्लाइटली बेटर फ्रीक्वेंसी एट जेन थ्री की रहती है तो इतनी ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं डालेगी फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस पे नेक्स्ट अब बताता हैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने थोड़ा अपग्रेड कर दिया है जहां पे यहाँ पे पहले हंड्रेड लिखा होता था अब यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड लिखा हुआ है

बात की यहाँ पे फ्री फायर मैक्स की जिसका कोई मतलब नहीं है 90 मैक्स आई आपको मैक्सिमम ही सपोर्ट देखने को मिलेगा दोनों ही प्रोसर के बीच में किसी किसी केस में 60 भी मिल रहा है तो यहाँ पे फ्री फायर एक लो इन ग्राफिक्स गेम है हाँ अगर जिनसिंग इम्पैक्ट की बात करें तो जिनसिंग इम्पैक्ट में भी आप काफ़ी बेटर गेमिंग कर सकते हैं एंड ये एट जें थ्री अब तक का सबसे हाइएस्ट लेवल वाला फ्लैक्सीबल क्लास प्रोसेसर है एंड जो यहाँ पे बी जी माई की बात करिए तो बी जी माई में भी आपको 90 अल्ट्रा जिक्सल अल्ट्रा पे गेम दोनों ही प्रोसर के साथ देखने को मिल जाएगी कॉल ऑफ ड्यूटी में के साथ मैक्स का मैक्सिमम सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसर के साथ आ जाता है तो अगर आप सोच लो कि परफॉर्मेंस दोनों में सेम होगा तो शायद आप गलत हैं एट जेन थ्री स्लाइटली बेटर रहेगा पे आपको परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में 8 Gen 3 स्लाइटली बेटर निकाल के देगा अब बताता हूं यहाँ पे वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक तो दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पे आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलेंगे एट के का फुल सपोर्ट करते हैं एट द रेट थर्टी एप के साथ एंड प्लेबैक भी इसी थर्ड एप एस का कर लेते हैं दोनों का डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी मैक्सिमम सेम सपोर्ट आता है 3814 टू 2160 पिक्सल का एंड दोनों के पास हेक्सागन यहाँ पे आपको 770 और अबव मिल सकता है बात करें आप कनेक्टिविटी सपोर्ट की तो फाइव जी सपोर्ट है स्नैपड्रैगन एट जीन थ्री का वो भी करता है एंड एट जीन टू वो भी करता है फोर कनेक्टिविटी में दोनों ही जो प्रोसेसर आते हैं वो एल टी के ट्वेंटी सपोर्ट के साथ आते हैं ब्लूटूथ फाइव एंड फाइव की टेक्नोलॉजी मिलेगी तो स्लाइटली बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे एट जी एन में होगी वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है पॉइंट वन नंबर में एंड जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है दोनों का वाईफाई फाई सेवन टेक्नोलॉजी आता है यहाँ पे वाईफाई की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है बेंचमार्क नंबर बताता हूँ गीक बेंच मार्क सिक्स है तो यहाँ पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस टेस्ट में जो स्नैपड्रैगन एट जेन थ्री का नंबर रहता है वो टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन रहता है ये काफ़ी एक्सट्रीमली गुड नंबर है या फिर बोल सकते हैं सबसे बेस्ट नंबर है ये वहीं पे जो एट जेन टू है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी टू का स्कोर करता है वैसे मैं एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ एप्पल के ए सेवनटीन प्रो वाले जो चिपसेट है उसमें ये नंबर काफ़ी और बेटर आता है तो उसका भी कंपेरिजन आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मल्टी कोर को देखा जाए तो मल्टीकोर में स्नैपड्रैगन एट जेन थ्री का स्कोर सी थाउजेंड आता है एंड यहाँ पे जो एट जेन टू का स्कोर फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी आता है कॉर्टेक्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल गया है कॉर्टेस एक्स फोर की वजह से यहाँ पे जो एट जेन थ्री है उसमें काफ़ी बेटर सिंगल को परफॉर्मेंस आ रहा है एंड बाकी जो कॉर्टेस ए सेवन ट्वेंटी है उसकी वजह से मल्टीकोर का परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो जा रहा है नेक्स्ट अब देखते हैं ट्वेंटी वन लैक का नंबर पे जो है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डिफरेंस के हिसाब से तो काफी हाई देखने को मिल रही है अब देखते हैं यहाँ पे थ्री बेंसमार्क स्कोर को जो कि बेसिकली जीपीयू टेस्ट के लिए ही बना होता है तो एट जिन थ्री का जो क्लोज स्कोर रहेगा वो फोर्टीन रहेगा रहेगा ये अब तक का सबसे हाइस्ट स्कोर है थ्री बेंसमार्क स्कोर वहीं पे जो एट जेन टू एस का स्कोर 12,419 स्कोर देखने को मिलेगा तो ओवरऑल जो आपको स्कोर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एट जीएन थ्री की जीपी परफॉर्मेंस काफी मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल के देगा एट जी एन थ्री तो अब यहाँ पे देखा जाए सीपी परफॉर्मेंस को तो एट जीएन थ्री का जो ओवरऑल कंक्लूजन स्कोर रहता है वो है 97 एंड हर बार की तरह मैं बताना चाहूंगा कि 50 प्लस स्कोर ही काफी बेस्ट हो जाता है एंड 75 एक्सट्रीमली गुड हो जाता है तो यहाँ पे जो स्कोर देखने को मिल रहा है वो है 97 एंड एट जेन टू का भी स्कोर जो है नाइन्टी फोर रहता है स्लाइटली पीछे आपको देखने को मिल रहा है थ्री नंबर डिफरेंस है एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की तो एट जेन थ्री का नंबर नाइन नाइन है मतलब सबसे बेस्ट गेमिंग यही देता है एंड जो एट जेन टू इसका स्कोर नाइन्टी सेवन है बिकॉज एट जेन टू अभी कुछ दिन पहले तक यही लीड पर था बट एट जेन थ्री आने के बाद इसका नंबर अब कम हो चुका है एंड अब बात करते हैं पे बैटरी लाइफ सपोर्ट की तो दोनों ही जो प्रोसेसर है आपको 94 का स्कोर करके देंगे बिकॉज दोनों ही जो प्रोसेसर है वो फोर एन एम टी एस एम सी बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं एंड अगर Tech Room स्कोर को देखा जाए तो एट जिन थ्री का जो नंबर है वो 96 सिक्स आता है ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्ट में एंड जो एट जेन टू इसका स्कोर नाइन्टी फोर आता है यहाँ पे आपको मेजर जो ड्रॉप देखने को मिला है एट जेन टू में वो परफॉर्मेंस है एंड गेमिंग का जीपी है तो एंड एट जिन थ्री में यही इम्प्रूव भी, भी किया गया है एंड मेजर फोकस यहाँ पे जनरेटिव ए आई पे भी रखा गया है तो ओवरऑल जो बेटर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा वो है एट जेन थ्री एट जेन थ्री क्लियर विनर है काफी सारे बिन्स मार्क स्कोर के हिसाब से भी एंड ओवरऑल इसके आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी तो अगर आप एट जेन थ्री का प्रोसेसर बाई करना चाहते हैं मतलब स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं या फिर एट जेन टू का स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है जरूर चेकआउट कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग